दोस्तों मीट सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत हुड्डा के पीहर वाले और जो कि मीत अलावत के यहाँ के दोनों आते हैं मीत हुड्डा को लेने के लिए। जी हाँ, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है और मीत हुड्डा गई भी नहीं है, इसीलिए मीत हुड्डा को लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों मीत हुड्डा की गोद भराई की रस्म स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों वो प्रेग्नेंट है, जल्दी ही वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय कहानी एक अलग मोड़ ले चुकी है, जो कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कहानी कुछ इस तरीके से मोड़ लेगी, क्योंकि ज़्यादातर मीत हुड्डा के बारे में गलत सलत बोलने वाले लोगों को भी अब जवाब देती हुई नज़र आने वाली है। मीत हुड्डा बोलती हुई नज़र आने वाली है कि हम देखते हैं कि कब क्या कैसे और क्यों होगा। जी हाँ, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं अभी तक मीत हुड्डा ने किसी से हार नहीं मानी है। हालांकि दोस्तों सरकार ने लाख कोशिश की थी और शगुन ने भी लाख कोशिश की थी मीत हुड्डा को हराने के लिए, लेकिन मीत हुड्डा ने धीरे धीरे शगुन को तो ठिकाने लगा दिया। और आप लोग जानते ही हैं कि धीरे धीरे सभी लोगों का दिल जीतती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो जो नफरत कर रहे हैं वो मीत हुड्डा उन लोगों का दिल जीतने में कोई भी कमी नहीं कर रही है। क्योंकि दोस्तों एक अच्छी खासी पर्सनैलिटी रही हैं और पुलिस ऑफिसर रही हैं मीत हुड्डा, तो मीत हुड्डा जो चाहें वो भी कर सकती हैं, लेकिन वो हमेशा दूसरों का भला करने में, वाकई में दोस्तों काफ़ी अच्छा भला करने में बिजी रही हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहाँ काफ़ी दिलचस्प नज़रिया एक और देखने को मिलेगा आप लोगों के बीच में, जब मनमीत पहलवान एक चीज़ बोलता हुआ नज़र आने वाला है कि जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन मैं देखता हूँ कि आखिरकार कौन क्या कैसे और कब करता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आप लोगों के सामने मैं रोहित नागर, जी हाँ, हाथ जोड़कर अनुरोध करूँगा गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइए गाइस कैसी लग रही है मेरी वीडियो, ये जरूर बताइए आप लोग। थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए गाइस।